हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो एमसीक्यू सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी, राइट। सो छत्रपति शिवाजी एंड पेशवा बाजीराव, इन लोगों से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आज के लेक्चर में हम लोग उसे अटैम्प्ट करने वाले हैं। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी क्राउन हिमसेल्फ एट, ठीक है, शिवाजी ने स्वयं को ताज कहाँ पर पहनाया था, राइट। तो ये उनकी कैपिटल भी थी, मराठा एम्पायर की कैपिटल भी थी, वहीं पर शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था। तो वो प्लेस क्या है? तो वो प्लेस है रायगढ़, राइट। तो शिवाजी क्राउन हिमसेल्फ एट रायगढ़, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी सबमिटेड टू जयसिंह, ठीक है, एंड अ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह, ठीक है। तो वो ट्रीटी कौन सी हुई थी इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो वो थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, राइट। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। सो ये ट्रीटी साइन हुई थी 11 जून 1665, ठीक है। जयसिंह जो कि एक राजपूत रूलर थे बट वो मुगल आर्मी के कमांडर थे, तो मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे। एंड जयसिंह ने जो है पुरंदर फोर्ट जो है उसे बिसीज कर लिया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं शिवाजी समझ गए थे कि अपने लोगों को ज़्यादा परेशान करने से बेटर है टू सबमिट, राइट। तो छत्रपति शिवाजी ने यहाँ पर सबमिट कर दिया था और उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी थी जब पुरंदर फोर्ट वॉज बिसीज्ड बाय जयसिंह, ठीक है। तो वो ट्रीटी कौन सी थी? पुरंदर ट्रीटी। कब हुई थी? 11 जून 1665, ठीक है। 11 जून मत याद रखना पर ईयर याद रख लेना, दैट इज 1665, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, अंडर शिवाजी रूल द हेड ऑफ अ यूनिट ऑफ 25 इन द कैवलरी, मतलब जो घुड़सवार होते हैं, वॉज नोन एज, ठीक है। शिवाजी के शासन में घुड़सवार सेना में 25 की एक इकाई के प्रमुख के रूप में जाना जाता था, ठीक है। देखिए, जो घुड़सवार थे शिवाजी के टाइम पर उसकी एक पूरी यूनिट होती थी, ठीक है, जिसमें 25 ट्रूपर्स इंक्लूडेड थे। इनके जो हेड हुआ करते थे ना उन्हें हवलदार कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? पूरे जो 25 ट्रूपर्स की एक यूनिट बना रखी थी कैवलरी में, उनके हेड को हवलदार कहा जाता था, ठीक है। फिर 5 हवलदार, राइट, 5 हवलदार का फिर से एक ग्रुप बनाया जाता था और इस 5 हवलदार के जो हेड होते थे उनको जुमला कहा जाता था, ठीक है। मतलब जुमला के भी हेड होते थे जिनको जुमलादार कहा जाता था। फिर 10 जुमलादार को रखा जाता था, राइट, और इस जुमलेदार के हेड को हजारी कहा जाता था, राइट। फिर हजारी में भी 5-5 हजारी इसका ग्रुप बनाया जाता था और हजारी के जो चार्ज होते थे उसे 5 हजारी कहा जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने सभी यूनिट्स को बना रखा था और हर यूनिट का कोई ना कोई हेड होता था, ठीक है। जैसे पहली चीज़, 25 ट्रूपर्स के हेड को हवलदार कहा जाता था, 5 हवलदार के हेड को जुमलादार कहा जाता था, ठीक है। 10 जुमलादार के हेड को हजारी कहा जाता था और 5 हजारी का जो हेड था उनको 5 हजारी कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सभी यूनिट्स को डिवाइड कर रखा था और हर यूनिट का कोई ना कोई हेड था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, नेम द रिलीजियस पर्सनालिटी हु एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन शिवाजी, ठीक है। उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला है, राइट। तो वो कौन है? गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास जो है वो स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं शिवाजी के। अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल गुरु, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में एडवाइस दी थी शिवाजी को, जैसे कि टेक्टिकल एंड वॉरफेयर स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा एडवाइस मिली है शिवाजी को गुरु रामदास से, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, शिवाजी जो है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, उन्होंने कौटिल्य, राइट, कौटिल्य की भी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करा था, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना चाहिए एंड जो भी सारी इकोनॉमिक चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, ग्रुप्स को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने कौटिल्य से भी काफ़ी ज़्यादा सीखी थी। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल लीडर या रिलीजियस पर्सनैलिटी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, वो थे गुरु रामदास, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ गुरु रामदास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, द पेशवाज सेक्रेटेरिएट एट पुणे, ठीक है, द सेंटर ऑफ मराठा गवर्नमेंट वॉज नोन एज, ठीक है। पेशवा की एक सेक्रेटेरिएट हुआ करती थी पुणे में जहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, वो मराठा गवर्नमेंट का पूरा सेंटर था, ठीक है। उस सेंटर का नाम क्या है यहाँ पे ये पूछा गया, ठीक है। पुणे में पेशवा के सचिवालय, मराठा सरकार का जो केंद्र, राइट, केंद्र के रूप में जाना जाता था। वो किस नाम से जाना जाता है उस केंद्र को? तो उस केंद्र को हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पेशवा का ऑफिस जो कि पुणे में हुआ करता था, जिसे हुजूर दफ्तर कहा जाता है, वो क्या है, सेंटर है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। इट वाज एन एक्सटेंसिव एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, हैविंग सेवरल ऑफिसेज, में बहुत सारे ऑफिसेज एंड बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट्स भी थे जहाँ से प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया जाता था, कंटिन्यू किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हुजूर दफ्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर शिवाजी वॉज क्राउंड एज छत्रपति, ठीक है, शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था। तो ताज पहनाया कहाँ पे गया था, तो वो रायगढ़ में पहनाया गया था। कब पहनाया गया था, तो वो 1674 में पहनाया गया था, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजीराव वन वॉज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, हम सभी जानते हैं बाजीराव कौन थे, पेशवा डायनेस्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम किस वंश के शासक थे, तो वो पेशवा से जुड़े हुए थे, राइट। तो बाजीराव वन ये बेसिकली जनरल थे मराठा एम्पायर में, ठीक है, ही सर्व्ड एज पेशवा टू 5th मराठा छत्रपति जिनका नाम है शाहू, फ्रॉम 1720 अंटिल हिज डेथ, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन बाय नेम बाजीराव बल्लाल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम होम शिवाजी ऑब्टेन्ड कैनन्स एंड अम्यूनेशन, ठीक है, उस यूरोपीय शक्ति की पहचान कीजिए जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किया था, ठीक है। तो शिवाजी के जितने भी कैनन्स ये सब आते थे ना, वो सब पोर्चुगीज से आते थे, राइट। तो ही यूज्ड कैनन्स एंड अम्यूनेशंस फ्रॉम पोर्चुगीज ताकि वो ब्रिटिशर्स पर अटैक कर सके, ठीक है। जून 1661 में शिवाजी सोल्जर्स दे प्लंडर्ड राजापुर, ठीक है, एंड दे कैप्चर्ड सेवरल इंग्लिशमैन। ये क्या था, बेसिकली एक पे बैक था, ठीक है, किसके अगेंस्ट, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बीजापुर के जो रूलर थे उनकी मदद करी थी, राइट। तो इसी का रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखना कि शिवाजी को जो भी तोप और गोला बारूद चीज़ें मिलती थी वो किससे मिलती थी, कौन से यूरोपियन पावर से मिलती थी, तो उनको मिलती थी पोर्चुगीज से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पोर्चुगीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the capital of Shivaji's kingdom? कितनी बार बता दियो शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो थी रायगढ़, राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ, ठीक है, What was चौथ? तो चौथ जो है was kind of टैक्स जो कि इम्पोज किया जाता था शिवाजी के द्वारा, ठीक है। चौथ मतलब नाम से क्लियर है 1/4, ठीक है, 1/4 टैक्स जो है इम्पोज किया जाता होगा, या फिर 25% टैक्स। किस पे इम्पोज किया जाता था, तो शिवाजी की जो भी नेबरिंग स्टेट्स थी ना, उन पर इस टैक्स को क्या किया जाता था, इम्पोज किया जाता था, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया जाने वाला भूमि कर उसे चौथ कहा जाता है। बेसिकली ना दो सोर्स ऑफ इनकम थे शिवाजी के टाइम पर, वो था चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। चौथ नाम से क्लियर है 1/4, दैट इज 25% ऑफ रेवेन्यू जो है जो कि पे करने पड़ते थे जागीरदार्स ऑफ मराठा एम्पायर। मतलब देखिए, मान लो ये मराठा एम्पायर है, ठीक है, सो ये मराठा एम्पायर के पास जितने भी दूसरे नेबरिंग स्टेट्स होते थे उन लोगों को 1/4% बोल रही हूँ, 1/4 टैक्स जो है या फिर 25% टैक्स पे करना पड़ता था मराठा के जो भी जागीरदार होते थे उन लोगों को, ठीक है। इसके रिटर्न में क्या एश्योरेंस मिल रहा है उन लोगों को, रिटर्न में ये एश्योरेंस मिल रहा है कि मराठा आर्मी जो है आप लोगों को परेशान नहीं करेगी, ठीक है। सो इन रिटर्न जो स्टेट टैक्स पे कर रही है वुड गेट एन एश्योरेंस ऑफ नॉन एग्रेशन, ठीक है, फ्रॉम मराठा आर्मी अगेंस्ट द एनिमी स्टेट, राइट, कि मराठा आर्मी आप लोगों को परेशान नहीं करेगी अगर आप ये 1/4 या फिर 25% रेवेन्यू जागीरदार को पे कर देंगे तो, राइट। तो ये तो हो गया चौथ। अब सरदेशमुखी ना, ये कोई अलग किस्म का टैक्स नहीं था, ये एक एडिशनल टैक्स था, ठीक है, एडिशनल टैक्स था जो कि चौथ पर ही इन लोगों को पे करना पड़ता था, दैट वाज 10% एक्स्ट्रा टैक्स जो है उन लोगों के चौथ टैक्स जो है उसके अबव पे करना पड़ता था, ठीक है। एडिशनल टैक्स जो कि लेवी किया जाता था किस पे, अपॉन चौथ, जो चौथ कलेक्ट की जाती थी, चौथ टैक्स जो कलेक्ट की जाती थी उसके ऊपर, ठीक है। रीज़न क्या था इस एडिशनल टैक्स का, यहाँ पर किंग जो है सिर्फ ये चाहता था कि वो ये क्लेम करे कि मेरे हेरिडिटरी राइट है, ठीक है, ये जो टैक्स कलेक्शन की जो प्रोसीजर चल रही है उस पर किंग का हेरिडिटरी राइट है, एंड ये जो 10% है ना ये कम्प्लीटली किंग के ट्रेजरी में जाता था, ठीक है। जो किंग की ट्रेजरी हुआ करती थी, किंग की जो भी वेल्थ होती थी, ये पूरा 10% कम्प्लीटली किंग के पास जाता था। बट ये जो 25% था ना, या ये जो 1/4 टैक्स था, इसमें से 1/3 जो है, ठीक है, ऑफ द ग्रॉस चौथ कलेक्टेड, ये जाता था किंग के पास, रिमेनिंग जो है जो जागीरदार होते थे उन्हीं के पास रहता था, राइट तो समझ गए, बस इतना याद रखना, चौथ इज 1/4 या फिर 25% ऑफ द रेवेन्यू जो कि जागीरदार को पे करना पड़ता था नेबरिंग स्टेट्स को, ठीक है। और स्वदेश मुखी क्या है, ये एडिशनल टैक्स है जो कि चौथ पर इम्पोज किया जाता था, बस इतना याद रखना, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम वॉज, ठीक है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया है, राइट तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पेशवा बालाजी विश्वनाथ, राइट पेशवा बालाजी विश्वनाथ को सेकेंड फाउंडर कहा गया है मराठा किंगडम का, राइट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो जो बालाजी विश्वनाथ है बेसिकली ही असिस्टेड अ यंग मराठा एम्परर जिनका नाम है शाहू टू कंसोलिडेट हिज ग्रिप ऑन अ किंगडम, ठीक है, दैट हैज़ बीन रैक्ड बाय, मतलब उस मराठा एम्पायर पे तब बार बार सिविल वॉर्स एंड परसिस्टेंट अटैक हो रहे थे मुगल्स के थ्रू, ठीक है, औरंगजेब के टाइम पर मराठा किंगडम पर, तो उसी चीज़ में एक ग्रिप बनाने में, एक होल्ड इस्टेब्लिश करने में बालाजी विश्वनाथ ने मराठा एम्परर की मदद करी थी, ठीक है, इस कारण से इनको मराठा किंगडम का सेकेंड फाउंडर कहा गया है, ओके सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। Next question, the Mughal general who decisively defeated Shivaji, right, and forced him to conclude the Treaty of Purandar, वो कौन थे, ठीक है, अभी हमने देखा वो कौन थे, मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। तो शिवाजी को क्या किया गया था, he was forced to sign the agreement after जयसिंह ने क्या कर लिया था, जब उन्होंने पुरंदर फोर्ट को besiege कर लिया था उसके बाद जो है he was forced कि उनको ये treaty साइन करनी पड़ी थी, ठीक है। जब शिवाजी को ये realize हुआ that war with the Mughal empire would only cause damage to the empire, right, and that his man would suffer heavy losses, इसलिए he chose to make a treaty instead of leaving his man under the Mughals, ठीक है। तो अपनी जनता को, अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया लग चुका था कि अगर इसको कंटिन्यू करा तो हो सकता है कि उनकी पूरे एम्पायर को सफ़र करना पड़ेगा, लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी थी मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ, ठीक है। किस ईयर में बताओ, 1665 में, कौन सी डेट को, 11 जून को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाजी प्लंडर्ड द मुगल टेरिटरीज इन, ठीक है, संभाजी ने मुगल प्रदेशों को लूटा था, कब, तो उन्होंने डेक्कन में जितनी भी मुगल टेरिटरीज थी संभाजी ने वहाँ पर जो है 2 रेड्स करी थी, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मराठा किंगडम अंडर पेशवा वॉज, ठीक है, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य क्या था, ठीक है, तो वो क्या था, एक कॉन्फिड्रेसी था। हम सभी जानते हैं कि मराठा स्टेट में लेटर ऑन जो है कॉन्फिड्रेसी बन जाती है 5 चीफ की, ठीक है, 5 लोगों का एक पूरा संघ जो है बन जाता है जिसमें नॉमिनल हेड कौन थे, पेशवा थे, ठीक है। अब मुझे बताओगी ये कॉन्फिड्रेसी में वो जो 5 लोग हैं, जो 5 लोगों का संघ है, ठीक है, उसमें कौन कौन है, एक तो पता है आपको पेशवा है, रिमेनिंग कौन है ये बताओगे आप लोग मुझे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्फिड्रेसी। सो अगर हम नॉर्मली देखें मराठा एम्पायर या मराठा कॉन्फिड्रेसी, जिसे आप मंडल भी कह सकते हो, संघ भी कह सकते हो, ठीक है, ये क्या था, वॉज एन इंडियन पावर दैट डोमिनेटेड मच ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन 17th and 18th century, ठीक है। जो एम्पायर था ये फॉर्मली एग्जिस्टेड फ्रॉम 1674 with the coronation of छत्रपति शिवाजी and ended in 1818 with the defeat of पेशवा बाजीराव II, okay। next question, that is question number 16, with the help of बाघ नख शिवाजी किल, दैट इज टाइगर क्लॉज की मदद से शिवाजी ने किसको मारा था, ठीक है, बाघ के पंजे की मदद से शिवाजी ने किसको मारा था, तो शिवाजी ने अफजल खान को मारा था, राइट। सो किलिंग ऑफ अफजल खान ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था शिवाजी की लाइफ में, ठीक है। ही कैरिड अ वेपन, ठीक है, जिसको बाघ नख, टाइगर्स क्लॉ जो है कहा जाता है, जिसमें एक आयरन फिंगर ग्रिप था, जिसकी मदद से उन्होंने अफजल खान पर अटैक करा था और इसके थ्रू उनको मारा था उन्होंने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मराठा डोमिनियन ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज, ठीक है, शिवाजी के मराठा साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था, तो उनका जो पूरा शिवाजी का जो डोमिनियन था ना उसे उन्होंने स्वराज नाम दिया था, ठीक है। देखिए क्या है ना, शिवाजी जो है वॉज अ मराठा एरिस्टोक्रेट ऑफ द भोसले क्लैन हु इज कंसिडर्ड to be the founder of Maratha Empire, so he is known as founder of Maratha Empire. ठीक है, शिवाजी he led a resistance to free the Maratha from the Sultanate of Bijapur. तो basically शिवाजी बीजापुर के सल्तनत से मराठा एम्पायर को, मराठी जो लोग थे उन लोगों को क्या करवाना चाहते थे, फ्री करवाना चाहते थे. ठीक है, इसलिए उन्होंने एक हिंदवी स्वराज्य, दैट इज सेल्फ रूल ऑफ हिंदू पीपल, इसे इस्टेब्लिश करा था, जो बेसिकली जो मराठा डोमिनियन था शिवाजी का, उसे कहा था उन्होंने. क्या कहा था? हिंदवी स्वराज्य, दैट इज सेल्फ रूल ऑफ हिंदू पीपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. ड्यूरिंग शिवाजीज रूल द काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्टेड ऑफ. ठीक है, शिवाजी के शासन के दौरान राज्य की परिषद में कितने लोग शामिल थे? ठीक है, तो उनकी जो परिषद थी उसे अष्ट प्रधान कहा जाता है. ठीक है, अष्ट प्रधान मतलब अष्ट मतलब आठ. ठीक है, तो उनकी काउंसिल में कितने मिनिस्टर्स थे? 8 मिनिस्टर्स थे. ओके, सो उन 8 मिनिस्टर्स को क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ 8 भी कहा जाता था, अष्ट प्रधान भी कहा जाता था. ठीक है, ये जो लोग थे ये शिवाजी की मदद करते थे पूरे एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए. ठीक है, काउंसिल बनी थी 1674 में बाय द किंग छत्रपति शिवाजी महाराज. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 8 मिनिस्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. विच अमंग द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ शिवाजी. तो इनमें से कौन सी शिवाजी की कैपिटल थी? ठीक है, आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो रायगढ़ थी. रायगढ़ क्या थी? शिवाजी के टाइम पर कैपिटल थी. Next question, that is question number 20. After his coronation, Shivaji assumed the title of. ठीक है, I guess सबसे easiest question इस पूरे lecture का है. राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सा title, कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो हम तो पूरे नाम से इनको जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. Next question, that is question number 21. Under the administration of Shivaji, पेशवा वॉज रिफर्ड टू एस. ठीक है, जब शिवाजी जो है उनके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था तब पेशवास को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन के तहत पेशवा को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था चीफ मिनिस्टर. ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो पेशवा के टाइम पर थे. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, दैट इज चीफ मिनिस्टर. सो पेशवा क्या थे? द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर अमंग द मराठा पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, पेशवा जिन्हें मुख्य प्रधान के नाम से भी जाना जाता था, दे ओरिजिनली हेडेड द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ राजा शिवाजी. ठीक है, तो ओरिजिनली ये एडवाइजरी काउंसिल को हेड करते थे, बाद में ये लोग चीफ मिनिस्टर बन गए थे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. सबसे पावरफुल पेशवा कौन थे? राइट, सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे? तो हम सभी जानते हैं वो कौन थे, बालाजी बाजीराव 1. ठीक है, सो बाजीराव 1 जो है वॉज सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पेशवा, द मोस्ट पावरफुल पेशवा, राइट. किसके सन थे? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ के सुपुत्र, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पेशवा. ही इज़ ऑल्सो नोन कि उन्होंने 72 वॉर्स जो है जीते थे, एंड बाजीराव मस्तानी तो हम सभी जानते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. ताराबाई हु कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ मराठा गवर्नमेंट फ्रॉम 1700 से लेके 1707 AD वॉज द विडो ऑफ द मराठा किंग. कौन से मराठा किंग की वो विडो थी, राइट? ताराबाई जिन्होंने 1700 से लेके 1707 AD तक मराठा सरकार के मामलों का संचालन किया, मराठा राजा, कौन से मराठा राजा की वो विडो थी या विधवा थी? ठीक है, तो वो राजा राम की थी. ऐसा कहा जाता है कि ताराबाई के टाइम पर, राइट, देखिए बिकॉज क्या होता है ना, हर डायनेस्टी या किसी भी एम्पायर के बारे में हम पढ़ते हैं तो इनिशियली बहुत ग्रेट रूलर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, और वो पतन की स्टेट में कब आ जाता है? जब वीक रूलर्स आने लगते हैं. ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा मराठा एम्पायर में भी ऐसा ही हुआ था. बट ताराबाई का जो टाइम पीरियड है ना, जो 1700 से लेकर 1707, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया था मराठा एम्पायर का, राइट. इसलिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो किसकी वाइफ थी ये? राजा राम की वाइफ थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. द ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ संभाजी, ठीक है, सन एंड सक्सेसर ऑफ शिवाजी, अपॉन हुम ही इन्वेस्टेड द टाइटल ऑफ पिनेकल ऑफ पोएट. ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि संभाजी ने किसे पिनेकल ऑफ पोएट, दैट इज कवि का शिखर, की उपाधि उन्होंने कौन से ब्राह्मण मिनिस्टर को दी थी? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? कवि कलश, राइट. कवि कलश को इन्होंने टाइटल दिया था काय का? पिनेकल ऑफ पोएट का, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन. शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन ओड इट्स ओरिजिन टू द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय. ठीक है, शिवाजी के प्रशासन की उत्पत्ति ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के कारण हुई है। तो भी स्टार्टिंग में बताई थी, एक तो वो गुरु रामदास से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, वो उनके स्पिरिचुअल गुरु थे। उसके बाद उन्होंने कौटिल्य के प्रिंसिपल्स से काफ़ी ज़्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन उन्होंने किया, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए कौटिल्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि खत्म हो जाता है, तो 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था। सो अब आता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें ये पूछा गया है, ये थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है बट एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन ये किसने डिज़ाइन करा था। ठीक है, आई एम सॉरी मैं हिंदी का ऐड करना भूल गई हूँ बट बोली तो हिंदी में ही हूँ। सो आप लोग बताइएगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसने डिज़ाइन करा था, किसके द्वारा बनाया गया था उसका डिज़ाइन, राइट। सो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।